ਕਦਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਤੀਲਾ ਢੇਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਦੇ ਨੀਲਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ हेलो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई होप तुम सारे वधिया तो मैं भी वधिया हाँ गाइज सब तो पहले तुम सोच रहे होंगे कि हाँ स्कूल ड्रेस में अज ब्लॉग क्यों बना रहे गाइज इस करके क्योंकि स्कूल वालों ट्रिप जा रहा साइंस सिटी तो बाकी हम चलते हैं तुम्हें स्कूल जाके मिलते हैं ब्लॉग में पूरा जरूर देखो लाइक शेयर कमेंट कर दो गाइज हम बस में अभी बैठने जा रहे हैं ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਾਕਾ ਵਿਹੜੇ ਛੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਕਾਕਾ गाइज पहुँच चुके हैं हूँ असी साइंस सिटी तो बाकी मेरे यार दियां बोलियां तुहानू कितना नहीं लगियां कमेंट करके जरूर दस्यो पहुँच चुके हैं साइंस सिटी हूँ अंदर जाके तुहानू मिलदे हां गाइज इत्थों एंट्रेंस हुंदी आ साइंस सिटी दी गाइस इत्थे होर भी दो स्कूल घूमण आया जिदा तुसीं साइड ते देख सकते हैं गाइस एंट्रेंस तो इन्होंने काफ़ी वड्डी बनाई है इत्थे गाइस आ हैगी साइंस सिटी दी कंटीन गाइस काफ़ी वड्डी कंटीन बनाई है इन्होंने गाइस जिहड़ा इत्थे साइंस सिटी का माहौल आ वो काफ़ी वधिया लग रहा इत्थे आ के गाइस साइंस सिटी अंदर असी एंटर कर चुके हैं तो इत्थे एक सामने काफ़ी वड्डा हाल दिखाई दे रहा कहिंदे कि इहदे अंदर काफ़ी वधिया चीज़ां देखण नूं चलो चलदे हां ते देखदे हां गाइस इत्थे मैं कैमरे की परमिशन ली सी इन्हां तों गाइस इन्होंने कोई भी पैसे नहीं ले उनकी इन्होंने परमिशन देती आ कहिंदे तुसीं इत्थे ब्लॉग शूट कर सकते हैं गाइस हाल अंदर असी एंटर हो चुके हैं तो इत्थे साइंस नाल रिलेटड काफ़ी चीज़ा बनिया हुई हैं काफ़ी वधिया बनाया इन्होंने सारा कुछ इत्थे गाइस हुण असी 3D शो देखण चले अंदर गाइस शायद तुहानू इह फोन विच ना वधिया लगता होवे बट जिहड़ा एनक ला के काफ़ी वधिया 3D शो लगता हुण असीं गाइस लेजर शो देखण चले आ अंदर ते इत्थे काफ़ी वड्डा हाल बनाया आ पहलां रश बहुत आ गाइस इत्थे गाइस लेजर शो असीं देख आए हाँ ते हुण असीं चले आ इत्थे फ्लाइट सिमुलेटर विच अगे हैगा आ उत्थे असीं चले आ हुण गाइस ये अंदर फोन गाइस काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है बट फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हाँ गाइस काफ़ी वधिया लग रहा मतलब इदा लग रहा जिदा सच्ची एक रोलर कोस्टर विच बैठे हुई है बट इदा नहीं है सामने LCD लगी आ गाइस हुण असीं वर्ल्ड गैलरी विच जा रहे हाँ
गाइस हुण असीं वर्ल्ड गैलरी चों बाहर आ गए हां ते इत्थे हुण असीं थोड़े बहुत स्पेस विच जिहड़े जांदे शटल वगैरह वो देखदे हां असीं। ते गाइस काफ़ी वधिया मॉडल बनाए आ इन्हां ने। इत्थे की आइटम आ यारो, ओ तेरा भला जे लाई हाथ, पता नहीं की आइटम हाथ। गाइस आह वाला जिहड़ा बोर्ड है इहदे उत्ते मतलब सारिया चीज़ां लिखियां जिहड़ियां भी आ शटल जिहा हैगा आ इहदे उत्ते जिहड़ा भी असीं बटन प्रेस करदे आ ओह वाले जिहड़ा पार्ट तो उत्तों बत्ती जगण लग जांदी आ। काफ़ी वधिया बनाया इत्थे। गाइस इत्थे बहुत तरह के मॉडल बनाए हैं तो जिहड़े भी मॉडल बनाए गए इन्ने इन्ने ज़्यादा वधिया तरीके ने बनाए गए ना गाइस, बहुत वधिया मॉडल बनाए इन्होंने सच्ची। गाइस मामा जिद्दा भी आ बहुत वधिया मॉडल आ। तो आ इत्थे सामने खड़ा प्लेन गाइस, हुण असीं असली प्लेन कोल पहुँच चुके हैं। गाइस रियल प्लेन आ। गाइस हुण चलदे हां असीं उपर, थले सारा असीं देख लिया आ, हुण उपर जाके देखते हाँ। गाइस तुसीं उपर दा व्यू देख लो भी कितना दा इत्थों। गाइस सारा ही हाल दिखण डिया, काफ़ी वधिया लगता पिया। गाइस हुण असीं आ शो देखना है बट मैनूं सॉरी गाइस इहदा नाम नहीं पता हैगा। गाइस हाल एडा ज़्यादा वड्डा, चलो हुण उत्ते चढ़दे हाँ। तो सब तो उत्ते जाण दा ही फायदा क्योंकि थले तो चंगी तरह नहीं दिसूगा। तो मैं तो मेरे दोस्त भी कहिंदे चलो उत्ते चलदे हाँ, तो असीं मैं भी हुण उत्ते चलदा। गाइस सच्ची हर जिहड़ा इह थिएटर आ काफ़ी ज़्यादा वड्डा आ। गाइस मेरे दोस्तां ने कहा उत्ते जाके बैठो, उत्ते सारा कुछ वधिया दिखदा। गाइस हुण ओह शो देख के आ चुके आ बाहर, इत्थे हुण असीं खाने पीने आ कुछ। गाइस हुण खा पी के असीं इत्थे आ चुके आ बोटिंग करन, ते देखदे आ टिकट पुछ के कि इत्थों किन्ने दी आ। बाकी आ साडे दोस्त हासा उस पाई जांदे आ। गाइस टिकट हैगी आ 25 रुपए टिकट आ, ते हुण चलदे आ असीं बोटिंग करन। गाइस तुसीं आके इत्थे बोटिंग यार जरूर करो, काफ़ी ज़्यादा वधिया लग रहा बोट च बैठ के। हुण बोटिंग करके किधर लगेगा तुहानूं मैं दसदा। बाकी पैंडल दिते इन्होंने बोट चलाउण नूं, ते इत्थे हैंडल आ घुमाउण नूं बोट नूं इधर उधर करना होवे तां। बाकी साढ़े दोस्त भी बैठ चुके अगे, वो बैठ जाओ यार छेती बैठ जाओ, चलाउणी भी इहनूं। हाँ जी हुण सारे दोस्त बैठ चुके आ, तां बोट नूं मोड़दे आ हुण उधर नूं, तां थोड़ा अगे जा के आउंदे आ। गाइस बाकी तो इन्हें पता नहीं इन्हें बोट उत्ते चढ़ाती आ भरावा यार, इन्हें मोड़ पुठा कटता। वो यार इधर नू ले जाओ यार बोट नू, हुण मैं नहीं चलाउण वाला, मैं इधर आके बैठ गया। मैं कहा तुसी चलाओ भी औखा इन्हू चलाउणा बहुत। मैं बैठ चुका हूँ सीधे इत्थे, तां ही इत्थों असीं क्लिपां लवांगे वधिया वधिया। चलाओ तुसी बोट नू, पर यार ये चलाउण नू मानदा ही नहीं पिया, कहिंदा मैं इत्थों नहीं चलदी भाई तूं ही चला। हुण मैं इधरली साइड तां आके बैठ गया, इत्थों भी मैनूं पुठे पैंडल मारने पैण डे आ। चलो कोई चक्कर नहीं। तो बाकी यार वो बड़े साढ़े दूसरे दोस्त कहिंदे रेस लाउणी, मैं कहा रेस लाउण दा इत्थे कोई मतलब नहीं हैगा क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी जैकट भी नहीं पाई उन्होंने, तो फिर भी सेफ्टी जैकट पाई। काली काली से असीं एक चीज़ भुल गए, अगर तुसी बोटिंग करनी तो यार सेफ्टी जैकट जरूर पा के आयो क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी आ। बाकी इत्थे पैंडल मार रहे हैं, तो असीं पीने नाल पैप्सी। तो इत्थों जिहड़ा व्यू आ वह आ रहा है काफ़ी वधिया, काफ़ी वड्डा तालाब जिहा कह लो इहनू, जो भी कह लो कुछ नहीं, बट इत्थे बोटिंग यार बहुत वधिया हो रही आ।
ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਖਤਮ, 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ। ਗਾਇਸ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਖੜ੍ਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹ ਵੀ। ਗਾਇਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗਾਇਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਾਇਸ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਸਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰੋ ਵਾਪਸ ਘਰ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਤੋਂ ਐਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਸ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਉੱਥੇ ਬੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਬੋਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਆ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਰਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਨੋ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ।